स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ, जैसा आपको याद है हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा बच्चों? ईटिंग टुगेदर। ईटिंग टुगेदर में हम जान रहे हैं कि हम कैसे हमारी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ अलग अलग चीजों में खाना खाते हैं और हम कैसे इकट्ठे बैठकर हमारा फूड लेते हैं। इसमें पढ़ते पढ़ते हमने देखा था कि ईटिंग टुगेदर विद फैमिली, ईटिंग टुगेदर इन स्कूल, लंच टाइम पे मिड डे मील किस तरीके से होती है बच्चों स्कूल में, ईटिंग टुगेदर इन हॉस्टल मेस, हॉस्टल में भी बच्चों हम किस तरीके से इकट्ठा खाना खाते हैं। बच्चों इसके बाद अगर आप अपनी बुक में रीड करेंगे तो आपको भी दिखेगा कि ईटिंग टुगेदर ऑन स्पेशल ओकेजन। बच्चों अगर मैं इस टॉपिक का आपको मतलब समझाऊं तो इस टॉपिक का मतलब होता है कि जब हम इकट्ठे बैठकर हमारे स्पेशल ओकेजन पे, कुछ ऐसे स्पेशल दिन पे, कोई ऐसा दिन हो जहाँ पे कुछ खास हो जिस दिन में, उस दिन जब हम साथ सब साथ बैठकर खाना खाते हैं तो कहलाता है बच्चों स्पेशल ओकेजन पे खाना खाना। ईटिंग टुगेदर इकट्ठा बैठकर सबका खाना खाना स्पेशल ओकेजन पे। इसमें बच्चों हमको रीड करने के लिए दे रखा है ऑन स्पेशल ओकेजन, ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक फेस्टिवल्स, जब बच्चों फेस्टिवल्स आते हैं, अलग अलग त्योहार आते हैं तब, वेडिंग और बर्थडे पार्टीज, जब बच्चों वेडिंग हो, कोई शादी हो या फिर कोई बर्थडे पार्टी हो, या फिर वी मीट विथ आवर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, या जब हम मिलते हैं किससे, हमारे फ्रेंड से यानी हमारे दोस्तों से और हमारे रिश्तेदारों से, ऐसे किसी दिन पे जैसे त्योहार हो गया, शादी हो गई या फिर बर्थडे पार्टीज हो गई, वी मीट आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, हम हमारे रिश्तेदारों से और दोस्तों से मिलते हैं। ऑन दीज डेज, इन दिन पे वी ईट स्पेशल डिशेज, बच्चों हम स्पेशल डिशेज खाते हैं। जैसा आपने देखा होगा शादी में हम बहुत सारी अलग अलग तरीके की स्पेशल डिशेज होती हैं, बर्थडे पार्टीज में बहुत सारी स्पेशल डिशेज होती हैं, ठीक है बच्चों। ईटिंग टुगेदर ब्रिंग्स लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस टुगेदर, जब बच्चों ऐसे ऑस्पिशियस दिन आते हैं, जब बहुत खुशी के दिन होते हैं ये, तब हमको बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है, हम बहुत ज़्यादा जॉय यानी इंजॉय करते हैं वहाँ पर और हमको बहुत खुशी भी मिलती है। बच्चों जैसा अगर आप अपने इमेजेस में देखेंगे जो बुक में हमको गिवन है, तो देखिए कि कुछ बच्चे हैं जो बर्थडे पार्टी मना रहे, ऐसी बर्थडे पार्टीज आपने भी मनाई होंगी आपके घर पे, जहाँ पे आपके सारे फ्रेंड्स एक साथ इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। और दूसरा है बच्चों के एक वेडिंग फेस्ट दिखाया गया, यानी वेडिंग फेस्ट दिखाया गया, इसका मतलब किसी की शादी है और किसी की शादी में देखिए वेटर खाना सर्व कर रहे हैं और सारे लोग इकट्ठे बैठकर टेबल और चेयर पे खाना खा रहे हैं। जब इस तरीके के ओकेजन्स पे बच्चों हम खाना खाते हैं सब इकट्ठे बैठ के, तो उस वो होता है ईटिंग टुगेदर ऑन स्पेशल ओकेजन, ठीक है बच्चों। इसके बाद में बच्चों हम जो चीज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ईटिंग टुगेदर इन कम्युनिटी, बच्चों कम्युनिटी में एक बड़े ग्रुप में इकट्ठा बैठकर खाना खाना वो किस तरीके से होता है। When a large number of people eat together at special place, जब बहुत सारे नंबर, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे एक साथ जब कहीं बैठकर खाना खाते हैं एक स्पेशल जगह पे, किसी भी स्पेशल जगह पे जब बहुत सारे लोग इकट्ठे खाना खाते हैं तो क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड कम्युनिटी ईटिंग, क्या कहलाता है, कम्युनिटी ईटिंग। ईटिंग इन लंगर्स, जब बच्चों लंगर लगते हैं गुरुद्वारे में, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी ईटिंग, ये एक एग्जाम्पल है कम्युनिटी ईटिंग का। बच्चों अगर मैं आपको लंगर बताऊं तो जितने भी हमारे सिख गुरुद्वारे होते हैं, जो बड़े मतलब जो हमारे सिख फ्रेंड्स के जो प्रे करने की जगह होती है गुरुद्वारा, वहां पर बच्चों अरेंज किए जाते हैं बड़े बड़े ईटिंग हॉल जहाँ पे सब इकट्ठा बैठ कर खाना खाते हैं। तो वो जो कह जैसे हम जिसे हम आपने आप समझते होंगे, जैसे हम प्रसाद चढ़ाते हैं उस तरीके से प्रसाद बहुत बड़े लेवल पे बनाया जाता है और सबको खाना खिलाया जाता है, तो ये लंगर होता है, ठीक है बच्चों। इन लंगर फूड इज प्रिपेयर्ड इन लार्ज क्वांटिटी इन अ कॉमन किचन कॉल्ड लंगर घर, जैसा मैंने आपको बताया बच्चों बहुत बड़ी क्वांटिटी में खाना बनाया जाता है और जहाँ खाना बनता है उसको हम क्या कहते हैं, लंगर घर। The food is served free of cost to people. बच्चों प्रसाद होता है ये, तो इसका कोई कॉस्ट नहीं होता, इसका कोई पैसा नहीं होता और सबको लोगों को फ्री में खिलाया खाना जाता है। Community eating teaches us the value of community service and equality. बच्चों community eating जब हम इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं तो ये हमको एक community eating यानी ग्रुप में इकट्ठा खाना खाना सिखाता है,
ठीक है, और इक्वालिटी, एक बराबरी रहती है बच्चों सब तरीके के लोगों में जब वो इकट्ठे ऐसे कम्युनिटी लाहौल में बैठकर खाना खाते हैं। अ लंगर एंड भंडाराज आर ऑल द पीपल सिट टुगेदर ऑन द फ्लोर एंड ईट सेम मील। ऐसे लंगर और भंडारे में बच्चों सारे लोग इकट्ठे एक साथ नीचे बैठकर खाना खाते हैं और सबको एक बराबर खाना मिलता है। मेनी पीपल वॉलेंटियर टू हेल्प इन कुकिंग एंड सर्विंग मील। कई सारे लोग बच्चों खाना बनाने में और खाना सर्व करने में मदद भी करते हैं। देयर आर मेनी ओकेजन्स व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल ईट टुगेदर। ऐसे बच्चों बहुत सारे ऑस्पिशियस मतलब ऐसे बहुत सारे पब्लिक कम्युनिटी ईटिंग वाली चीजें होती हैं, जैसे बहुत सारे लंगर होते हैं, बहुत सारे भंडारे होते हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। उसके बाद में वेडिंग फंक्शन फेस्टिवल्स एंड बर्थडे पार्टीज आर सम ऑफ देम, और ये इसके एग्जांपल्स हमने अभी अभी देखे। सच कम्युनिटी ईटिंग मेक्स अस फील यूनाइटेड। ऐसी कम्युनिटी ईटिंग जब बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं, ऐसी कम्युनिटी ईटिंग से बच्चों हमको एकजुट फीलिंग आती है कि हम सब इकट्ठे एक साथ में हैं जब हम एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। बच्चों आप इमेज में भी देखेंगे कि इमेज में भी हमको ऐसा दिखाया जा रहा है कि गुरुद्वारे में जो है लंगर लगा हुआ है और सब लोग नीचे बैठकर इकट्ठे खाना खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आती है बच्चों इकट्ठी इकट्ठे खाने खाने में, यानी कम्युनिटी ईटिंग में। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। इसके बाद की चीज़ें हम हमारी नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू।